इतना ही नहीं, आपको बता दें बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, दलितों और आदिवासियों और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर भी उन्होंने बात रखी। संपूर्ण किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर पूरे प्रदेश में राज्य सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र भी उन्होंने किया है। पिछले 2.5 वर्ष से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत जी के शासन में यूं तो बहुत सारे मुद्दे और मसले हैं जिसके आधार पर सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी प्री मेच्योर सी दिखती है। समय से पहले इस तरीके से सरकार के खिलाफ आक्रोश ये पहली बार दिखा है। बहुत सारे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था, किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, इस तरीके के बहुत सारे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ जनमानस में आक्रोश है। लेकिन कोई मुझसे पूछे कि एक शब्द में सरकार की वानगी पेश करें तो भ्रष्टाचार, ये सरकार में अब शिष्टाचार बन गया है। राजस्थान में जिस किस्म से बेरोजगारी भत्ते के लिए या मृत्यु का बीमा क्लेम लेने के लिए मेल नर्स आईसीयू बेड के लिए दलाली ले, ये पहली बार राजस्थान में देखा गया। इसका मतलब बहुआयामी तरीके से भ्रष्टाचार को एक तरीके से संस्कृति में बदला राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। अभी दीपेंद्र सिंह जी ने जो स्पीकर रहे हैं, पीसीसी के अध्यक्ष की मौजूदगी में खान की मंथली की बात कही है, तो मुझे लगता है ये मंथली की सरकार है और मंथली की सरकार न्याय नहीं कर सकती। और आज राजस्थान जिस तरीके से अपराधों में शुमार है, एक नंबर पे राजस्थान शर्मसार हुआ है भ्रष्टाचार के मसलों में, ये राजस्थान की सरकार की विफलता का एक बड़ा कारक है, करप्शन।